Assalamu alaikum nazareen, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. Main aapki host Aleena Haroon. Aaj hum hain photo square shopping mall mein jahan hum aapke sath karenge bahut sari baatein. Aapka jo chupa hua talent hai wo layenge screen par. आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से इनाम देंगे. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से मिलती हूँ और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मेरे प्रोग्राम को इतना प्यार देते हैं. तो आए लोगों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. माय नेम इज़ रुबाब. रुबाब सामने देखो, क्या करते हो आप? मैं आई एम डूइंग जॉब. ओके, चलो मुझे बताओ मर्द या औरत में किसके मुँह में 36 दांत होते हैं? दोनों के नहीं. कितने होते हैं? 32. पक्का? हाँ. रैपिंग करो अपने लिए. क्या शेयर करो? मैं सिंगर हूँ तो सॉन्ग आया. सिंगर हो? या ऑफ कोर्स. वाओ, कैसे गाती हो? मतलब ये कि कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, यूनिवर्सिटी में भी जब हमारे कोई कंपटीशन वगैरह होता था वहाँ. चलो ये सामने देख के सुना दो. दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. इस जिंदगी के दिन कितने कम है, कितनी है खुशियाँ और कितने गम है. लग जा गले से सुहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. ला 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 हा 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 हा, ला 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 ए हे हे हे. जबरदस्त, आपकी आवाज बहुत अच्छी है. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. थैंक यू. थैंक यू. जी नाज़रीन, एक इंतहाई खूबसूरत लड़की हमारे साथ थी, उसकी आवाज़ भी खूबसूरत थी. उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? मुबशर महमूद. मुबशर क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ और स्टडी भी कर रहा हूँ. ओके, क्या जॉब करते हैं आप? मैं कमर्शियल ऑफिसर हूँ. ज़बरदस्त. अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ? बस शॉपिंग करनी थी कुछ, उसके उसी सिलसिले में आए. क्या खरीदा? कपड़े वगैरह खरीदते हैं ऑफिस के लिए. अच्छा, ऑफिस के लिए. अपनी शॉपिंग खुद ही करते हो मोस्टली? हाँ, खुद ही करते हैं फ्रेंड्स के साथ. अच्छा, और अम्मी के पसंद के कपड़े पहनते हो या नहीं? बचपन में अब बिल्कुल भी नहीं. अरे क्यों? बस अपनी पसंद के ज़्यादा, क्योंकि मम्मा को न्यू फैशन का नहीं पता होता तो नहीं चलते हैं, तो न्यू फैशन के मुताबिक कपड़े चेंज. अच्छा, वैसे मैं नहीं एग्री करती, क्योंकि फॉर लाइफ मेरे कपड़े मेरी मम्मा ने डिज़ाइन किया और मुझे लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा उनको पता होता है. ट्राई करना. आपके कहने पे ट्राई करें, एक दफा ट्राई करें. ठीक है. चलो जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ. ओके ओके. मुझे बताओ हमारी बॉडी के जो लंग्स होते हैं फेफड़े, उनमें से राइट साइड का ज्यादा बड़ा होता है लेफ्ट साइड का? बोथ आर इक्वल. एक होता बड़ा. एक ही चांस है, क्योंकि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा. राइट साइड का. क्या पिन करो अपने लिए? क्या शेयर करोगे? गलत है. सही है. हम सुनाऊंगा. वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है. दिखाई भी जो न दे नजर भी चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है. थैंक यू. जज़ाकअल्लाह. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए. थैंक यू. यू वेलकम. जी नाज़रीन, आज खैर मैंने उनको मशवरा दिया है कि वो अपनी मम्मा के पसंद के कपड़े पहने, तो आप लोगों को मैं कहूँगी अपनी मामा के पसंद के कपड़े पहने, क्योंकि जो मैं डिसाइड करती है वो बेस्ट होता है. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? सोबिया. सोबिया क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ. अच्छा, बूंदे बड़े अच्छे लग रहे थे, दिखाओ तो सही स्क्रीन पर. चलिए जी, मैं आपसे सवाल करूँ. श्योर. मुझे बताए खवातीन अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या देखती हैं? टीवी.
No? Like, in which sense, कोई option, like, कोई option नहीं है, पता चल जाएगा. खवातीन अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या देखती हैं? क्या देखती हैं? अपने आप को ही देखती हैं. हर वक्त मिरर के सामने. तो क्या देखा? अपना चेहरा, अपने बाल. Like, सही जवाब देके भी आप नहीं पहुंच पा रही. मतलब अपने आप को देखती हैं, मिरर देखती हैं. मिरर देखती हैं, लैपिंग कर अपने लिए. अच्छा, बाल तो बड़े अच्छे, क्या लगाती हो? मैं ये है कि नहाने बस सीरम मस्ट है. उसके अलावा ये है कि आप वीकेंड पे ट्राई करो कि जो शावर लेने से पहले ऑयलिंग करो, एलोवेरा लगाओ, तो उससे ये है कि आपके जो दो मुँह बाल ड्राई नहीं होते हैं. तो मेरी फ्रेंड्स भी अक्सर मुझसे पूछती है कि क्या लगाती माशाल्लाह तुम्हारे बाल लंबे भी हैं और ये वो. सो यही कोशिश करती हूँ, यही अप्लाई करती हूँ. ज़्यादा केयर नहीं कर पाती, बट ट्राई माई बेस्ट. ज़बरदस्त, ये लें जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. थैंक यू सो मच. यू वेलकम जी. नाजरीन, हमने भी एक अच्छे बाल करने का तरीका आपको बता दिया है. सो प्लीज़ डोंट बी लेजी और अपने बाल आप भी खूबसूरत करें. किसी और से बात करते हैं. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? अरूसा. अरूसा, सामने देखो, क्या करते हो? मैं जॉब होल्डर हूँ. ज़बरदस्त. अच्छा जी, मुझे बता दें, मेकअप खुद किया? नाइस, वेरी नाइस. अच्छा, मुझे बताओ मेकअप करना कैसे सीखा? क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, तो आई थिंक इट्स ट्यूटोरियल्स देखती हूँ. ऑफ कोर्स. अभी खुद बनाया ट्यूटोरियल? नॉट येट, बट आई एम थिंकिंग ऑन इट कि होना चाहिए इन फ्यूचर. हाँ, अच्छा कर लेती हो तो बनाओ, ज़रूर बनाओ. हाँ, तो अब चलो सवाल करूँ. मुझे बताओ आप लाहौर और कराची के बीच में क्या है? रोड्स. बीच में तो नहीं, हर जगह ही है. लाहौर और कराची के बीच में? ओके, लाहौर और कराची के बीच में क्या है? वेरी सिंपल, साहिल. वो बीच में नहीं है. लाहौर और कराची के बीच में, नो आइडिया. ओके, क्या शेयर करोगे? ब्यूटी टिप्स ऑफ कोर्स. ओके, क्योंकि अब मॉनसून का सीजन था लेकिन वो ऑलमोस्ट फिनिश है. अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए यू शुड हैव टू मेंशन योर रूटीन. अच्छा क्लेंजर होना चाहिए, देन अच्छी स्क्रबिंग मास्क, एंड देन डोंट फॉरगेट टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर इन योर स्किन विच इज़ वेरी कंपल्सरी, क्योंकि हम लोग जॉब्स करते हैं. सन ब्लॉक विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर रूटीन. सो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं देन आई डोंट थिंक सो कि सैलून जाने की ज़रूरत पड़ेगी. ये जो है मैं शेयर कर. ज़बरदस्त, और न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू. यू वेलकम जी. नाजिन, अच्छी सी टिप जानी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब जितनी भी लड़कियां हैं उनको इतना काम आ गया है कि वो खुद भी कर सकती हैं, हर वक्त पार्लर जाने की जरूरत नहीं है. चले जी, खर्चा बच गया आप लोगों का. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? मिसेज नुमान. आपका नाम? नुमान सलीम. बेबी का नाम? इजान नुमान. ओके जी, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ. आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ. जबरदस्त, किस चीज़ की जॉब है आपकी? अकाउंट्स में होता हूँ, फाइनेंस. पैसों का काम करते हैं. अच्छा चले, मुझे बताएं कि खुद में क्या होता है, घर में भी आपकी चलती है अकाउंट्स में या बीवी की चलती है? नहीं, यहाँ तो बीवी की चलती है. बीवी की चलती है. स्टडी का कोई फायदा नहीं है? नहीं, कोई इस चीज में कोई फायदा नहीं है. अच्छा मुझे बताएं, ये बाल तो है नहीं, तो पिन कहाँ लगाई हुई है? बस छोटे छोटे बाल, नया स्टाइल बनाया आज. अच्छा मुझे बताएं, ये खींचती नहीं है? नहीं 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 खींचती. ये ना बाल टूट जाए छोटे छोटे तो. फिर क्या करोगी हैं? क्या करोगी? हंसी आ रही है. ये आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती है. ये आता है ना वो सॉन्ग आता है लोर लोरे, वो मतलब जब बड़े सॉन्ग से मतलब खुशी से बड़ी एक्साइटेड हो के मतलब जो देखती है आपका प्रोग्राम. स्पेशली हम सब शौक से देखते हैं आपका. तो जैसी आवाज़ आएगी ना लोर लोरे, वो मतलब जब फौरन मतलब जब टीवी की तरफ हो जाती है, बड़ा मतलब जब खुश होके और एक्साइटेड स्माइल करती बकायदा. अरे जबरदस्त. अरे भाई, इतनी छोटी फैन, इतनी प्यारी. अच्छा इसको ये तो कानों में ये क्या है? बीट्स लगाए हुए हैं. बीट्स. अरे ये मुझे ना तैयार होना खुद भी पसंद है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लड़कियां ऐसा तैयार होती है. बड़ी होके सही तैयार हो गया है ना. आती ये बड़े शौक से देखती है जब मैं मतलब जब मेकअप कर रही होती हूँ, वो गोद में आके बैठ जाती है कि अब मम्मा मुझे भी करेंगी. ओ माशाल्लाह माशाल्लाह. चले जी, मुझे बताएं मर्द या औरत में से किसके मुँह में 36 दांत होते हैं? मर्द के. किसी के नहीं. पक्का? किसी के. राइट आंसर. क्लैपिंग करें इनके लिए. वाओ. अच्छा जी, क्या शेयर करेंगे आप? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा. मैं आजकल के पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी अपनी भी माशाल्लाह एक बेटी है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने छोटे बच्चों को, 3-4 साल के बच्चों को टैब और मोबाइल प्लीज़ ना दें, क्योंकि बच्चे उस तरफ लग जाते हैं तो उसके बाद फिर उनकी स्टडी डिस्टर्ब होती है. वो जब थोड़ा सा बड़े हो जाएँ, उनको समझ आ जाए, फिर ये चीज़ उनके लिए बेटर है.
تو یہ پلیز ذرا دیکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. زبردست, ویری نائس میسج. اور آپ کیا شیئر کریں؟ بیوٹی ٹپ. میں بیوٹی ٹپ بالوں کے لیے کروں گی کہ بالوں کے لیے جو ہے آپ اپنے بالوں میں شائن لانے کے لیے اور بالوں کی مطلب اسٹریٹنگ کے لیے سرسوں کے آئل میں ایگ مکس کر کے اس کو مطلب جو ہے بالوں میں لگائیں اور 15 منٹ تک بالوں میں لگا رہنے دیں. اس کے بعد بال واش کریں اور آپ کے بال جو ہیں بہت اچھی ان میں شائن آئے گی. ایگ مکس کرنا. زبردست, ویری نائس. اور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے تھینک یو. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, بہت پیاری فیملی تھی اور بچی بہت کیوٹ تھی. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام فہمیدہ. محمد فیاض. آپ کا نام؟ نور فاطمہ. کون سی کلاس میں ہو؟ تینر سے. آپ کیا کرتی ہیں؟ ہاؤس وائف. آپ؟ میں نیٹ ورک انجینئر. زبردست. جی مجھے بتائیں کہ پروگرام دیکھتی ہیں؟ جی بہت شوق سے. میرے بچے بھی کوئی مس نہیں کرتے آپ کا شو. زبردست. بھی بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. میں بھی بہت لائک کرتی ہوں. اچھا تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. چلے جی آج سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یقین نہیں تھا کہ میں آپ کا شو میں ایسے لائیو آ سکوں گی. سوال بڑی مشکل کرتی ہیں. سوال ٹیم نکالتی ہے پر میں کچھ نہ کچھ سن کے گفٹ دے دیتی ہوں. کبھی گفٹ کے بغیر نہیں بھیجا. یہ بات ہے. یہ بات ہے. چلے جی مجھے بتا دیں آپ جلدی سے کہ ایک عام انسان کے وہ بیمار نہ ہو تو اس کے پورے دن میں سر کے کتنے بال گرتے ہیں؟ مشکل لگ رہا ہے. بتا دیں. کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی نا. کاؤنٹ تو نہیں ہو سکتی. کاؤنٹیبل گریں گے نا. زیادہ گریں گے تو گنجے ہو جائیں گے ہم. نہیں نا. آپ اتنے بتا دیں. یہ بتا دوں کہ لیڈیز کے زیادہ گرتے ہیں لیکن جینٹس کے نہیں اتنے. پھر مرد جلدی گنجے کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ لیڈیز ٹینشن دے دے کے گنجا کر. تو گرتے تو ہے نا بال. چلے آپ بتائیں کتنے. آئیڈیا تو لے لینا. 100 to 100 کے درمیان میں گرتے ہیں. چلیں کہیں نہ کہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اوکے کیا شیئر کریں گے؟ میں ریسپی. یہ لے مائک. چکن فرائی چکن. چکن لیں, اس کے چکن کے پیس کو کٹ کر کے اور نا مسالہ دردہ مرچ اور گرم مسالہ اور تکا مسالہ لے کے ان کو میرینیٹ کرنا ہے. نمک ڈالنا, نیمبو ڈالنا, تھوڑا کیچپ ڈالنا ہے. سب چیزوں کو ڈال کے میرینیٹ کرنا ہے. تقریباً 4 to 5 hours کے لیے میرینیٹ کر لے. اس کے بعد نا اس کو نا آئل میں فرائی کرے اور چٹنی کے ساتھ پیش کریں. زبردست. آپ کیا شیئر کریں؟ میں مجھے بتائیں کھانا کیسا یہ بناتی ہیں؟ بہت اچھا. بہت. اور آپ کیا سنائیں گی؟ بیبی بیبی. سامنے دیکھو, سامنے دیکھو. بیبی بیبیز ماما ایٹنگ سوگر نو ماما ٹیلنگ لائز نو ماما اوپن یور ماؤتھ. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, بہت پیاری فیملی تھی اور پوئم جب بچے سناتے ہیں تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مہک. مہک. داؤد. کیا کرتے ہو؟ میں بھی میٹرک کے پیپر دے رہا ہوں. اور آپ؟ میٹرک کے پیپر. اوکے اچھا. پینڈل تو بہت اچھا لگ رہا ہے. کہاں سے لیا؟ شاپ سے. شاپ سے. اوکے جی ظاہری بات ہے شاپ سے لیا ہوگا. کون سی شاپ سے لیا ہے؟ وہ پتہ نہیں, نام نہیں. اچھا چلو جی. کزنز ہو؟ کزنز. کزنز. اوکے چلیں سوال کریں آپ سے. جی میں سانگ سناؤں گا. پہلے میں سوال کروں. چلیں ٹھیک. مجھے بتاؤ کہ بچے کو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ آئس کریم نہیں کھانی, وہ پھر بھی آئس کریم کھاتا ہے, کیوں؟ کیونکہ آئس کریم ایک ایسی چیز ہے جسے آپ روک ہی نہیں سکتے. یا گرمی اور اس کو بہت مسئلہ ہے, وہ نہیں کھانا چاہیے. ڈاکٹر نے اس کو بہت منع کیا ہے. اس کو پتہ ہے اس بات کا. لیکن پھر بھی وہ آئس کریم نہیں کھا سکتا. پھر بھی وہ کھاتا ہے. کھاتا ہے کیونکہ اسے آئس کریم سے پیار ہو گیا شاید. آپ بتاؤ. پتہ نہیں. پتہ کیا سناؤ گے؟ سانگ جی. ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے, تیرے بنا کیا وجود میرا. تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا.
क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो थैंक यू सो मच वेरी नाइस यू वेलकम और आप क्या शेयर करोगे मैं कुछ भी ब्यूटी टिप्स वो हमें बाल अच्छे रखने के लिए ऑयल यूज़ करना चाहिए ताकि वो अच्छा तो शर्मा क्यों रही हो मुझसे शर्म आ रही है ये आपकी फैन है बहुत बड़ी अरे कहाँ की फैन बात ही नहीं कर रही वो तो ये तो अक्सर मुझे वीडियोस दिखाती रहती है आपकी अच्छा चलो थैंक यू सो मच चले जी लॉर्ड न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है जी नाजरीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का सो लेट्स हैव अ ब्रेक